हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल आपकी मिनी। आज हम हाजिर हैं आप सबके सामने एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज की तरफ से जॉब्स लेकर। तो यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस पर हायरिंग हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये रियल जॉब है। मैं आपके साथ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शेयर करूँगी, जिससे कि आपको ट्रस्ट हो जाएगा एंड आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये रियल जॉब्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग पोस्ट पर जॉब्स हैं, चाहे आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट होल्ड डिग्री होल्डर हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीटेक वाले हो, तो आपके लिए आपकी पोजीशन के, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ इंटरव्यू देने जाना है, सारा कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। कैसे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि ये जो डेली जॉब अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं इनको आप मिस ना करें। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स के लिए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, वैसे आप गूगल कर सकते हैं। बट ये जो एयर इंडिया है, इसको हम AI एयरपोर्ट सर्विसेज भी करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें एयरपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ्स हो गया और बाकी सारी अदर फैसिलिटीज़। ठीक है, तो उसके लिए इनको कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन ये हायर करते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है अगर आप एयरपोर्ट जॉब्स में, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी हो, कैबिन क्रू की हो, अगर आप किसी में भी जाते हैं, सैलरी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, प्लस रेप्यूटेड जॉब होती है। तो यहाँ पर लोकेशन की बात हम बाद में करेंगे, बट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ केवल 74 हैं, बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। नेम ऑफ़ द वैकेंसीज़ अभी पोस्ट वाइज हम बात करते हैं, तो पहले 17 वैकेंसीज़ हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ड्यूटी मैनेजर की 2 वैकेंसीज़ हैं, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 17 हैं, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में 1, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव 8, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 6, हैंडीमैन या हैंडी वेमेन 23। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लें तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो सैलरी होगी वो होगी 24,960 रुपये। जूनियर कस्टमर, हाँ, फॉर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की जो पोस्ट है उनकी सैलरी होगी 21,270 रुपये। जूनियर ऑफिसर की जो टेक्निकल वाले हैं उनकी सैलरी होगी 29,760 रुपये, और हैंडी मैन या हैंडी वुमेन की जो पोस्ट है उसकी, उनकी सैलरी होगी 18,840 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये इनकी सैलरी हो गई। एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया है, 18 साल से 50 साल तक के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रेंज दिया है इन्होंने, तो ज़्यादातर लोग जनरली क्या होता है, 18 से 30 होता है, बट यहाँ पर 50 ईयर्स तक लोग जा सकते हैं। फिर यहाँ पर एजुकेशन की बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज, तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं अगर आप, तो आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो आपने, आप यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव में अगर आप 12th पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूटी मैनेजर में आपने, इन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ड्यूटी मैनेजर वही कर सकते हैं जिनको 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल में आप BE BTech अगर आपने किया है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर इनमें से किसी स्ट्रीम में आपने BTech किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। तो जो लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे BTech मैकेनिकल वाले, BTech इलेक्ट्रिकल वाले या डिप्लोमा वाले की कोई जॉब बताइए, जॉब ये काफ़ी अच्छा जॉब है, बस इसमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बट सैलरी काफ़ी अच्छी है तो आप मेहनत कर सकते हैं। यूटिलिटी कम एजेंट रेंट, यहाँ रैम ड्राइवर के लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए। ठीक है, एंड मस्ट हैव अ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैंडीमैन या हैंडी वेमेन के लिए केवल 10th पास मांगा है इन्होंने। सेलेक्शन कैसे होगा यहाँ पर, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर, आपका स्क्रीनिंग होगा, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। लोकेशन मैं बताऊंगी आपको, लोकेशन है आपका चंडीगढ़ एंड देहरादून। जॉब का लोकेशन आपको मिलेगा चंडीगढ़ एंड देहरादून का। ठीक है, काफ़ी दोनों ही जगह काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा नई जगह। वर्क एक्सपीरियंस, कोई इनको फर्दर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर, ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट छोड़कर। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड दैट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक में मिल जाएगा,
एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फॉर्म को डाउनलोड करना है फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको फिर उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद कैंडिडेट को उस फॉर्म को फिल करना है और आपको वो फॉर्म लेकर साथ में वॉक इन के लिए आना है, मतलब इंटरव्यू देने फॉर्म के साथ आपको आना है विद नीडेड रेलेवेंट रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स एट दी एड्रेस मेंशन्ड बिलो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपको दिया जाएगा उसमें एड्रेस भी दिया है कि कहाँ कब आना है। तो यहाँ पर 16 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच ये इंटरव्यू होगा, सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस ये सब पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ रहेगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, एससी एसटी पीडब्ल्यू वालों के, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई फीस नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉई है अगर कोई भी, मतलब मान लीजिए एयर इंडिया में ऑलरेडी कोई कर रहा है और उसको हायर पोजिशन के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए भी, उनको भी फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू पे द फीस ऑफलाइन, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। टू नो मोर अबाउट फी डिटेल्स फॉर दिस रिक्रूटमेंट क्लिक ओके। आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा, एक एक चीज़ पढ़िएगा, उसके बाद आप अप्लाई करना, ठीक है। ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कैंडिडेट मस्ट मस्ट विजिट फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम, टाइम पर इंटरव्यू देने जाइएगा और लेट बिल्कुल मत जाइएगा, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करेंगे। जो भी टाइम दिया है उसी टाइम के अंदर आपको पहुंच जाना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी देयर सर्टिफिकेट्स एंड नीडेड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताए जाएंगे वो आपको लेकर जाना है, जेरोक्स भी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है, इंटरव्यू देते टाइम वो देखेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो ये आज की जॉब बहुत ही अच्छी है। अगर मान लीजिए लिंक ओपन नहीं होता है या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप मेरा नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जब अब सबको पता है मेरा नंबर, आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी आपकी मिनी चैनल को ओपन करेंगे, जहाँ पर चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहाँ पर नंबर भी विजिबल रहेगा आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ओपन हो जाएगा इन केस नहीं होता है उसके लिए। तो यही था आज का अपडेट, आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे इसमें, अप्लाई ज़रूर करिएगा। ढेरों यूट्यूब वीडियोज़ पड़ी हैं, इंटरव्यूज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है और इस 5-6 दिन में आप अपने आप को अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दे सकते हैं। तो यही थी आज की जॉब अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।